हेलो मेरे कानपुर के चटोरों, आज मैं आपको एक ऐसी स्पेशल जगह लेके आया हूँ जो कि राजस्थान से डायरेक्ट हमारे प्रदेश कानपुर में आई है। सही सुना आपने। और दोस्तों, इनकी जो स्पेशल चीज़ है वो है रबड़ी फालूदा। ठीक है, रबड़ी फालूदा इनकी बहुत फेमस है। देव नारायण कुल्फी आइसक्रीम वाले हैं भैया, और इनकी दूर दूर से लोग खाने आते हैं, दूर दूर से, और इसलिए मैं इनके पास आया हूँ। आइए चलते हैं भैया से बात करने। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग आए हैं इस समय कानपुर में अनेक अनेक प्रकार के फूड बताने। इस समय हम लोग खड़े हैं, गर्मी का आनंद जो मिलता है फालूदा खाने। ठीक है, फालूदा बिकॉज मैं इसलिए मना रहा हूँ कि गर्मी का सीज़न चालू हो चुका है। अब शेक्स, फालूदा, इन सब की बारी है। आइए लेके चलते हैं फालूदा वाले भैया के पास। दोस्तों, देव नारायण जी की कुल्फी वर्सेस आइसक्रीम, ठीक है, जो कि बहुत मशहूर है। आप लोग कमेंट्स आ रहे थे कि भाई देव नारायण जी की फालूदा बताइए और कमेंट बताइए क्या क्या आप लोगों ने खाया। भैया भी खा रहे हैं। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका भैया? आशीष वर्मा। आशीष भैया क्या खा रहे हैं शेम? आप रबड़ी फालूदा। रबड़ी फालूदा कितने रुपए का पड़ा? 60 रुपए का। बहुत बढ़िया है। अच्छा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, और ये भैया है ऑनर है यहाँ के। ठीक है, आप देख सकते हैं देव नारायण कुल्फी आइसक्रीम। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। दिनेश गुजर भैया, क्या क्या मिलता है आपके बिल्कुल शॉप में, जरा बता दीजिए दर्शकों। जी, बादाम शेक मिलेगा, रबड़ी फालूदा मिलेगा, नॉर्मल फालूदा मिलेगा, कुल्फी मिलेगा, राजभोग आइसक्रीम मिलेगा। क्या क्या रेट है भैया? फालूदा 60 रुपए, नॉर्मल फालूदा 50 रुपए, रबड़ी फालूदा 60 रुपए मिलेगा। और क्या है नॉर्मल फालूदा और रबड़ी फालूदा में? रबड़ी मिक्स आएगा, लच्छा आएगा, उसमें सब्जा आएगा, आइसक्रीम आएगा। कितने सालों से लगा रहे हैं शॉप ये? अभी यहाँ तो अभी 3-4 महीने से हुआ है। 3-4 महीने? हाँ जी, बाकी पहले लगता था 2-3 साल पहले। और भैया कहाँ कहाँ लगाते हैं ये बता दीजिए। एक यहाँ लगता है, एक अपने चिड़ियाघर के पास में लगता है, कॉलेज के पास, कॉलेज के पास में लगता है एक तो। और अभी हम लोग कहाँ खड़े हैं? अपने कंपनी बाग। कंपनी बाग और इमरल्ड गार्डन के नीचे। अच्छा, ठीक है। और स्पेशल क्या है जो आपके मोस्ट सेलिंग आइटम है? रबड़ी फालूदा। 60 रुपए की, और गर्मी में यही खाना चाहिए। हाँ जी, स्पेशल है और लोग आपके बहुत प्यार कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि यहाँ की वीडियो बनाइए। हाँ, तो लगा दीजिए भी एक रबड़ी फालूदा जी। और बच्चे ही मिले हैं, क्या नाम है बेटा? अभिनव। अभिनव, क्या खाने आए हो? सॉफ्टी। सॉफ्टी, यहीं पे रहते हो? हाँ। अच्छा, खाते हो रोज? नहीं, आज। आज खा रहे हो, वेरी गुड। और भाई लोग भी खड़े हैं। भैया क्या नाम है भैया आपका? अर्जुन। अर्जुन भाई, अर्जुन की तरीके बताइए क्या खाने आए हैं? सॉफ्टी। सॉफ्टी, और रोज आते हैं? नहीं, आज मतलब गुजर रहे थे मंदिर की तरफ से, तब आए। मतलब गर्मी में ठंडी का मजा ले रहे हैं। हाँ। अच्छा। और भैया का नाम क्या है? भैया क्या नाम है आपका? ब्रजेश। क्या खाने आए हैं? क्या? सॉफ्टी खाने आए। सॉफ्टी कितने रुपए की पड़ी? अरे 10 रुपए ही है, ज्यादा 10 की। गर्मी में ठंडी का मजा, एक नंबर। अब भैया हम लोगों की रबड़ी फालूदा लगने वाली है। ठीक है, देख सकते हैं ये क्या है भैया, बताते जाइएगा। लच्छे ऐसे कहते हैं। और ये क्या पड़ रहा है? सब्जा। क्या होता है ये? लंगड़ा जी, इसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये देखिए दोस्तों कौन सी आइसक्रीम, वेनिला आइसक्रीम है, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है। और ये रबड़ी, अरे दादा एक नंबर, क्या लजीज रबड़ी है भैया, कि मुंह में पानी आ जाए। और भाई की स्माइल बड़ी प्यारी है। पैसा ले रहे हो काम? बस यही है कि पैसा जितना भी हो लेकिन काम बढ़िया होना चाहिए। देखिए दोस्तों, भैया ने मिक्स कर दिया है बिल्कुल बड़े तरीके से। अब क्या बनाएंगे करेंगे? अच्छा, मोती भी लगता है। अच्छा, ये एक आदमी के लिए सफिशिएंट है? ये कौन सी है? राजभोग। अच्छा, टोटल कितनी आइसक्रीम पड़ती है इसमें? 3। और ये चेरी हो गई। ये क्या है भाई? मिंट।
एक नंबर। इसको गुलूकंद भी बोलते हैं। गुलूकंद। अच्छा अच्छा पान वाले ऐसे ही बोलते। ये देखिए दोस्तों पिस्ता विस्ता आ गया, बिल्कुल अच्छी तरीके से मेकिंग करी गई है, अच्छी तरीके से मेकिंग करी गई है, साथ में रूअफ़ज़ा, ठीक है, जो कि गर्मी को भगाता है दूर। और ये चॉकलेट सिरप है, ये चॉकलेट सिरप आया है। अच्छा भैया ये देखिए दोस्तों हम लोगों का बिल्कुल मस्त रेडी होके आ चुका है रबड़ी फालूदा। ये हम लोगों का रबड़ी फालूदा रेडी हो चुका है और इसमें तीन प्रकार की आइसक्रीम पड़ती है और क्या क्या पड़ता है बिल्कुल आप अंदाज़ा ही लगा पाएंगे, नाम तक भूल जाएंगे लेकिन भैया को सब चीज़ याद है। और भैया का आप चेहरा देख सकते हैं कहाँ कहाँ लगाते हैं, सब भैया बता ही दिए हैं। दोस्तों अब हम लोगों का ये जो है प्यार, अच्छी भैया थैंक यू भैया, ठीक है भैया भी जा रहे हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों क्या क्या मेल्टिंग करी गई आप खुद देख सकते हैं, ठीक है, बहुत चीज़ें वैराइटीज़ हैं यहाँ पर, तीन प्रकार की आइसक्रीम है और बहुत वाह भाई क्या टेस्ट है, जो ठंडी में नहीं है जो मज़ा आती है ना वो इनकी रबड़ी जो है ना, ये रबड़ी देख रहे रबड़ी आय है ठीक है ना, देखिए आप बाकी रबड़ी आप खाते होंगे वो पतली वाला जो नहीं होता जो पानी और दूध ने मिला के करते होंगे, लेकिन ये देखिए रबड़ी थिकनेस, यही थिकनेस इनकी पहचान है। और आप लोगों ने कमेंट्स किए दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे आया। अमेजिंग टेस्ट वॉज गुड, ठीक है टेस्ट बहुत बढ़िया है, आप लोग विजिट कर सकते हैं यहाँ पे और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लोकेशन दे दूंगा कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। और आराम से आप भाई एक चीज़ और है कि किसी को शादी ब्याह में अगर लगवाना हो लग सकता है, और नंबर मैं आपको दे दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँ, नंबर आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, शादी ब्याह के लिए भी भैया संपर्क कर सकते हैं आप लोग। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी को बल्क में आपको ले आना हो मतलब ऑर्डर के लिए और आपको एक दिन पहले वो कॉन्टैक्ट कर दे कितना लेना है हो जाएगा, ये सब भी ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है, सब यहाँ फैसिलिटी है। तो भाई दूर क्या जाना, टेस्ट अच्छा है तो आप यहीं पे आगे कर सकते हैं, मज़ा आ गई भाई, ठीक है। और ऐसे व्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आपको लोकेशन बता दूँगा कहाँ पे आना है। दोस्तों ये 56 भोग वाला चौराहा है, ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट सीधे आएंगे भैया की शॉप पड़ेगी। और ये कौन सा भैया, राजीव पेट्रोल पंप, यहाँ से राजीव पेट्रोल पंप से डायरेक्ट सीधे आएंगे 8 बजे तक भैया कह रहे हैं यहाँ 8 बजे तक हम रहते हैं फिर कंपनी बाग चौराहे पे चले जाते हैं। तो आपको पूरी तरीके से बता दिया है जैसे कि आप लोग भागिए नहीं कहीं दूसरी जगह। और 30 मैक्सिमम मतलब सबसे कम वाली जो आइसक्रीम होती कितने की, 10 रुपए की है, 10 रुपए की कुल्फी, 20 रुपए में क्या भैया राजभोग आइसक्रीम मिलेगी, 20 रुपए में राजभोग आइसक्रीम। और सबसे महंगी कौन सी है, यही सबसे महंगी हम खा रहे हैं, सबसे महंगी हम खा रहे हैं, इतने अमीर हो गए आप लोगों ने, भैया क्या यार अमीर बनवा दिया तुम मुझे यार। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और भैया की स्माइल के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर बताते रहिए और कमेंट करिए अगली लोकेशन कहाँ पे जाएं हम लोग, आपकी लोकेशन जहाँ बताएंगे वहाँ हम पहुँचेंगे सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए। मेन चीज़ जो है ना ये रबड़ी है ना उसका स्वाद है, और जो आइसक्रीम है तीन फ्लेवर है, एक राजभोग है, एक स्ट्रॉबेरी है और एक नट्स है, अमेरिकन नट्स है, और क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, मतलब पैसा जो है ना आपको इसी सब चीज़ का मिल रहा है। और सबसे मुझे लग रहा है ये सब चीज़ है कि सस्ती है, ठीक है, आपको अलग अलग चीज़ की मिल जाएगी, अगर आपको राजभोग खाना है तो 20 रुपये दे के राजभोग भी खा सकते हैं, कुल्फ़ी मिल जाएगी, बादाम शेक 30 रुपये मिल जाएगा आपको, सारे शेक मिल जाएंगे, काजू शेक भी भैया आपके पास, काजू बादाम दोनों मिक्स है 30 रुपये में और 60 का फूल है, राइट 50 का फूल है, और हर रेट मिल जाएंगे, मैं इनका रेट ले लूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा जैसे कि आप लोगों को आसानी पड़ जाएगी। और भैया का नेचर बहुत अच्छा है और यही इन्हीं के नेचर के चक्कर से और इसमें मिठास बढ़ जाती है। और नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा जैसे कि आपको आसानी हो जाएगी, एक
ठीक है, ये स्ट्रॉबेरी है ठीक है, और ये देखिए दोस्तों ये नट्स है, ये नट्स देखिए कितने भर भर के डाला है ठीक है, ये देखिए दोस्तों आपको मनाते मनाते मेरी पानी हो गई बिल्कुल आइसक्रीम। और यही चीज है, एक चीज और है कि आपको पानी वाली आइसक्रीम अच्छी लगती है फालूदा की गट्टे गट्टे वाली फालूदा अच्छी लगती है? मुझे तो पानी वाली फालूदा ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब ऐसी आराम से पीजो लस्सी के तरीके, बिकॉज मैंने ठाना है कानपुर का एक एक फूड कॉर्नर दिखाना है, जैसे कि हर कानपुर की जो शान होती है ना फूड खाना स्वास्थ्य चटकारा, वो हर जगह तक पहुंचना चाहिए। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए अपने छोटे भाई को, अपने छोटे बेटे को, और सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही जैसे आप लोग एक साल से मुझे कर रहे हैं, और प्यार आपका मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। फाइनली मैं ख़त्म हो गया अब ठीक है, और कृपया करके दो लोग साथ में आइए कपल लोग ठीक है, झूठा खाइए प्यार बढ़ाइए ठीक है, और अंकल आंटी जी से भी कहते हैं कि साथ में बच्चों को भी लेके आइए, जैसे कि एक में एक आदमी नहीं खा सकता, बड़ी मुश्किल से खाया है। और दूसरी बात यह है बहुत टेस्टी था, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोग आइए और भरपेट 60 रुपये में बढ़िया रबड़ी फलूदा खाइए ठीक है, और बहुत बढ़िया अच्छे नेचर के भैया हैं और बहुत टेस्टी है, और आप लोगों के ऐसे कमेंट्स आते रहिए, अगली लोकेशन बताइए सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लॉग में, और आगे ज़रूर देखिए आगे हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं।